अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वेलकम टू आवर पॉडकास्ट एपिसोड नंबर थ्री जैसा कि आप जानते हैं हमने प्रीवियस अपनी वीडियोस में कंस्ट्रक्शन रियल स्टेट और भैरिया टाउन का एक न्यू प्रोजेक्ट है भैरिया टाउन पे शावर जो अभी अपकमिंग है उसके रिलेटेड बात की थी हमारे साथ ज्वाइन किया मिस्टर हारून ने अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर अस्सलाम कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हारून हमने लास्ट टाइम बात की थी जो हमारा जो आखिरी टॉपिक था वो ये था कि कंस्ट्रक्शन uh, में अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है फॉर एग्जांपल किसी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में तो इन द एंड ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब कि वो अपनी जब सेल पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट हो जाएगा तो उसको तो कितना परसेंटेज मतलब कि प्रॉफिट वगैरह हो जाएगा हमने इस रिलेटेड से बात की थी जी ऐसे तो बहुत से लोगों के मतलब से के क्लाइंट्स हमारे एक क्यूरीज होते हैं क्वेश्चन होते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपना घर बनवाएं आपको पता है, है। आज से अभी ये रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज का ट्रेंड अभी शुरू हुआ है।, है आज से लेकिन पीछे बैक चले जाएँ तो पांदा साल पाँच दस साल पहले ये सारा जो है ये ठेकेदारी पर काम काम चल रहा था, था। लेकिन अब थोड़ा इसको मॉडर्नाइज कर दिया गया है कंस्ट्रक्शन कंपनीज आ गई हैं और लेकिन कुछ अभी भी लोग जो है वो जो ठेकेदारी पे जो है घर बनवा रहे हैं अपने तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अब एक बंदा घर बनवाना चाहे अपना ठीक है एक तरफ ठेकेदार है ठीक है और एक तरफ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कंस्ट्रक्शन कंपनी है ठीक है तो अगर दोनों का कंपेरिजन किया जाए तो किस तरफ जाना चाहिए ठेकेदार की तरफ जाना चाहिए या एक वेल नोन कंपनी की तरफ जाना चाहिए और दोनों में डिफरेंस क्या होगा अच्छा सबसे पहले मुस्तफ़ा ये है कि अगर हम डिफरेंस की बात करें तो एक ठेकेदार में और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है माइंड सैट का ठीक है जो रिप्लेस नहीं हो सकता दूसरे नंबर के ऊपर अगर डिस्कस किया जाए ठेकेदार एक इंडिविजुअली तौर पे एक बिज़नेस चला रहा होता है उसका कोई ठिकाना नहीं होता जहाँ पे उसने बैठ के अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वो कभी गुजरखान में है कभी वो लाहौर में है कभी वो इस्लामाबाद में है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए वो आगे पीछे जाते रहते हैं उनके पास बेसिकली ठेकेदार होता क्या है ठेकेदार के पास ना इंडिविजुअली लेबर्स होती हैं ठीक है थीके? जो गांव के उसके लोग होते हैं कुछ मिस्त्री होते हैं मजदूर होते हैं कुछ टाइलों वाले लोग होते हैं कुछ पलस्तर वाले लोग होते हैं और जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है इसके पास ऐसे ठेकेदार भी होते हैं इंडिविजुअल लेबर भी होती है और प्लस आपका जो मटीरियल प्रॉब्लम है वो भी ये सॉल्व करते हैं अगर आप एक ठेकेदार से घर बनवाते हैं तो आपने उसको ऑब्वियसली एक लेबर रेट के ऊपर लेबर कॉस्ट के ऊपर आपने घर बनाना है लेबर कॉस्ट के ऊपर जब आप घर बनवाते हैं तो वो आपसे चार्ज करता है चार सौ या साढ़े चार सौ रुपये पर स्क्वायर फीट इन चार्जेस के साथ जब आपकी वो स्ट्रक्चर कम्प्लीट करता है तो आपको उसके बाद पता चलता है कि जो ठेकेदार साहब कह रहे हैं कि इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर आपके जो छत के ऊपर जो मुमटी सर्वेंट क्वार्टर उसके बाद एक वॉशरूम बनता है ठीक है ये चीज़ें शामिल नहीं है बाउंड्री वॉल शामिल नहीं है घर की बाहर वाली बाउंड्री वॉल शामिल नहीं है गेट नहीं है गिराज का एरिया बैक साइड पे लॉन्ड्री एरिया उसके बाद आपका ओवरहेड वाटर टैंक ग्राउंड फ्लोर का वाटर टैंक ये चीज़ें ठेकेदारी में इंक्लूड नहीं होती ठेकेदार नहीं करते इसके वो आपसे अलग चार्जेस लेंगे तो एंड ऑफ द डे अगर आप कैलकुलेशन करते हैं एक बिल्डर के प्रॉफिट की और एक ठेकेदार के प्रॉफिट की तो एक ठेकेदार आपसे तकरीबन उतना ही पैसे ले जाता है जो एक बिल्डर ले रहा है आपसे ठीक है अब बात करते हैं कि ठेकेदार विद मटेरियल काम करता है जब ठीक है विद मटेरियल काम वो करेगा अपने माइंड सेट के साथ उसने अगर आपका काम विद मटेरियल पकड़ लिया है ठीक है तो ये तो जो बंदा उससे विद मटेरियल काम करा रहा है उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ही बैड पॉइंट है जो नहीं कराना चाहिए क्योंकि वो अपने हिसाब के से मटेरियल परचेस करेगा लगाएगा चीज़ों को इस्तेमाल में लेकर आएगा जो नुकसान दें और दूसरी तरफ एक बिल्डर है जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि वो आपका मटेरियल भी परचेज़ करे आपके लिए लेबर भी अरेंज करे सर्दी गर्मी भी बर्दाश्त करे आपका घर बनाए बिल्डर की क्रेडिबिलिटी ये है कि एक तो वो एक ऑफ़िस में बैठा है एक उसका माइंड सेट है एक उसका बिजनेस सेटअप है ठीक है ठेकेदार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप कहें कि अपना चंद रुपए बचाने के लिए ठीक है आपकी गायें जबा कर देते हैं ठीक है और बिल्डर जो है बेसिकली उसको पता होता है कि मैं एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज़ का मेरा एक ऑफिस है लोग मुझे मेरे ऑफिस से जानते हैं ठीक है लोग मेरी जो एफर्ट्स हैं जो मैंने पिछले दो चार पाँच छः साल में लगा के मैंने एक अपनी प्रोफाइल बनाई है मार्केट में ठीक है उसको सेव करने के लिए वो गलत काम नहीं करता दूसरी चीज़ कि अगर जो बंदा घर बनवा रहा है कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है एक बिल्डर को अगर वो बंदा एक मुनासिब तरीके के साथ चेक एंड बैलेंस रखता है बिल्डर के ऊपर तो फिर तो मैं नहीं समझता कि ठेकेदार के पास जाना चाहिए क्योंकि बिल्डर जो है जो काम करेगा उसका एक मॉडर्न माइंडसेट है वो एक बिज़नेस कंपनी ले चल रहा है उसके और भी कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं प्रैक्टिस भी ज़्यादा है उसकी और जो जो ठेकेदार के पास जो चीज़ें नहीं है ठीक है मतलब कि इन शॉर्ट बात यह है कि अगर आपने दोनों तरीके से बना सकते हैं दोनों तरीके से बना लेकिन... सकते हैं बिल्कुल अभी भी बना रहे हैं लोग ठेकेदारी पर भी बनवा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट दे के भी बनवा रहे हैं ठेकेदारी में फिर आपको आपकी अपनी इन्वालमेंट भी बहुत ज्यादा होती है हाँ। कि जो चीज़ें उस ठेके के अंदर इंक्लूड नहीं है वो फिर आपने अपने अपने ओन के ऊपर सेपरेटली करनी है ठीक है वो ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर भी काफ़ी काम होते हैं और फिनिशिंग तो सारी फिर आपके जिम्मे है फिर आपने मटेरियल परचेज करना है आपकी तकरीबन सेवेंटी परसेंट इन्वॉल्वमेंट होगी तो ठेकेदार काम ठीक करेगा नहीं तो ठेकेदार आपका काम खराब कर देगा ठीक है अच्छा आज आज मैं एक बड़ी चीज़ सोच रहा था देखिए एक सोसाइटी होती है ना एक वेल नोन सोसाइटी जो जी होती जी है हम बेरिया टाउन की बात करते हैं और एक्सपाइव जी, जी जी जितनी भी हैं जी जी वो पहचानी जाती है अपने मैंटेन्स से कि जो डिलीवर करते हैं आफ्टर डिलीवर उस चीज़ को मेंटेन किस टाइम तक करते हैं और किस कितना कितना करते हैं आप ऐसे ही है तो कुछ लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि बहरिया का आपको पता है कि हर घर के हर कमर्शल के शॉप्स के अपार्टमेंट्स के मंथली दे कुछ चार्जेज होते हैं जो आपने बिल के साथ उन्हें पे करने होते हैं वो आज से छः माह पहले थे दस मरले के मेरे ख्याल से तीन हज़ार पाँच सौ या तीन हज़ार सात सौ पैंतीस छत्तीस सौ सैंतीस सौ ऐसे ही अब वो हो गए हैं तकरीबन सेवेंटी फाइव हंड्रेड बिल्कुल ऐसे ही तो आपको क्या लगता है कि महीने का सेवेंटी फाइव परसेंट जो एक जो हंड्रेड जो बंदा पे कर रहा है दस मरल के घर के लिए क्या वो वर्थ इट है और उसके अगेंस्ट बहरिया जो है उस रेजिडेंट को क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं बहरिया में देखें सबसे पहले ये चार्जेज तो थे ना मुस्तफ़ा ये फिफ्टीन हंड्रेड थे उसके बाद ये ट्वेंटी फाइव हंड्रेड फिर थर्टी फाइव हंड्रेड इन्होंने डायरेक्ट साढ़े सात हज़ार कर दिए हैं इन चार्जेस की अगर बात की जाए तो इस चार्जेस में ज़ाहरा एक बहुत बड़ा टाउन है बैरिया टाउन एक वैसे ही नाम नहीं है ये बहुत बड़ा टाउन है अगर देखा जाए तो ये पूरे पिंडी शहर जितना है ठीक है इसकी मेंटेनेंस के ऊपर उतना ही पैसा लगता है कि जितना एक सरकारी इदारा आर डी ए एक शहर में लगाते हैं अब इसमें सारा सिलसिला ये है कि बैरिया टाउन के पास कोई ऐसी ए, सोर्स नहीं है कि उसको कहीं से पैसे आएंगे और वो ये सारे काम देखेगा और करेगा डेवलपमेंट के ऊपर बैरिया टाउन में समझता हूँ सबसे ज़्यादा पैसे लगाता है ठीक है जैसे अब मैं रोज़ ऑफिस आता हूँ मैं पिछले एक हफ़्ते से आ रहा हूँ तकरीबन कोई पंद्रह से अठारह किलोमीटर का रोड है मेरे ऑफिस तक बैरिया के अंदर वो सारा बैरिया ने तीन चार दिनों में बना दिया ठीक है पहले उसको तोड़ा है उसके बाद बनाया है तीन चार दिन लोगों को प्रॉब्लम हुई है लेकिन उसके बाद बिल्कुल नया रोड हो गया है ये काम जहाँ पे हम रहते हैं मुख्तफ एरियाज़ में पिंडी के इस्लामाबाद के नहीं होते एक रोड खराब हो गया उसके बाद वो बीस साल बाद उसकी बारी आएगी उन्होंने डेवलप करना है ठीक करना है उसको आप बैरिया टाउन के पार्कस देख लें बेहतरीन पार्क्स हैं ठीक है ऐसा इस इस स्टैंडर्ड का पार्क आपको पूरे पिंडी में नहीं मिलता उसके बाद आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं ठीक है हमने घर तैयार किया उस घर के अलार्म दो चार दफ़ा बजे रात को बारह एक बजे सिक्योरिटी जो कंपनी है इनकी बैरिया की एम एस एम फोर्स है वो हो गए सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए वो सारे हमारे घर पहुँच गए कि भाई अलार्म बजे हम हमसे गलती से बच गया था लेकिन वो आ गए उसके बाद वो आपको जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपका बैर शहरों में है बिजली का बिजली में आपको वो बहुत ज़्यादा रिलीफ दे रहे हैं बिजली नहीं जाती यहाँ पे ठीक है ऑलमोस्ट आप कहें कि अगर पूरे दिन में आधा घंटा चली जाती है वो कुछ भी नहीं है बैर आठ आठ घंटे जा पानी का है। बिल नहीं आता पानी का बिल नहीं आता आपका ठीक है उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है बैरिया टाउन का दी बेस्ट है ठीक है वो सफाई वो मेंटेनेंस वो आपको किसी और शहर में मिल नहीं सकती सरकारी लोग गवर्नमेंट के मुलाजमीन जो ये काम कर रहे हैं वो नहीं दे सकते लेकिन एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है अच्छा मैं खुद बेरिया का रेजिडेंट हूँ तो ज्यादा बेहतर जानता हूँ वो तो एक मेरा क्वेश्चन था क्योंकि आप एज अ बिल्डर बेरिया में काम कर रहे हैं तो इट्स टोटली वर्थ इट क्योंकि आपको देखो महीने में आपको इलेक्ट्रिशियन फ्री है आपका बिल्कुल प्लम्बर आपका फ्री है पानी का बिल नहीं आपका आ रहा है रोज आपके घर के बाहर एक गाड़ी आ रही है जो आपका कचरा उठा रही है और रोज लेकर जा रही है।, बात है आपके घर के बाहर जो भी गार्डन है उसकी मेंटेनेंस हो रही है, हो हो रही है। देख लें वाटर फिल्टर प्लांट है हर चीज है।, 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 है जो आपकी लाइफ हाँ। है वो सारे देखिए ये इन सब चीजों को बना देना बहुत आसान काम है लेकिन इसको मुश्किल है और मुझे लगता है कि टोटली वर्थ है टोटली वर्थ है ठीक है मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि देखें अभी एक नई सोसाइटी सोसाइटी का बहिया टाउन का नया प्रोजेक्ट आ रहा है बहरिया पेशावर ऐसे तो बहुत से लोगों की क्यूरीज हैं क्वेश्चंस होते हैं कि हम लोगों को इन्वेस्ट तो सारे करना चाहते हैं क्योंकि तो देखें इंस्टॉलमेंट पे जो चीज़ मिलती है वो कोई भी मिस नहीं करता ये बात है साथ साथ इंस्टॉलमेंट दे के फ्यूचर में एक चीज़ की वर्थ बन जाती जाती है बन है तो अब इसमें पाँच मरले के प्लॉट भी होंगे दस मरला भी होगा कनाल भी होगा शायद कमर्शल भी आ जाए यही बात है तो आपको क्या लगता है अगर एक बंदे ने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी हो और लॉन्ग टर्म करनी हो तो वो किस तरफ जाए प्लॉट कमर्शियल की तरफ जाए रेजिडेंशियल की तरफ जाए अगर वो जाता है तो किस साइज़ पे ज़्यादा फोकस करे है? आपको एज आ रिलेटर एक रियल स्टेट आप माशा फर्म रन कर रहे हैं आपको किस चीज़ में जो है ना ज़्यादा एक रनिंग और एक प्रोग्रेस नज़र आती है देखें मुस्तफ़ा अगर तो एक बंदे ने लॉन्ग टर्म फ़ायदा लेना है ठीक है उसके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो उसके अंदर लॉन्ग टर्म होल्ड करने की पावर हो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पॉकेट में दस लाख रुपये रख के छः लाख रुपये डाउन पेमेंट कर देते हैं फिर किस्तें देने के पैसे नहीं होते वो लोग नुकसान में रहेंगे डे फर्स्ट में भी डे एंड में भी क्योंकि जब आपके पास पैसे ही नहीं है किस्त देने के लिए आपने एक चीज़ ले ली है उसको आप संभाल नहीं सकते तो वो अल्टीमेटली आपके पास से चली जाएगी किसी ना किसी ज़रिए से दूसरे नंबर पे मैं ये समझता हूँ कि वो बंदा जो शुरू में प्लॉट ले लेगा और उसके बाद वो उसको डे एंड तक चलाएगा तीन साल चार साल की जितना भी इंस्टॉलमेंट प्लान है क्योंकि बैरिया की डेवलपमेंट में ना हर बंदे को यकीन है क्योंकि जहाँ पे भी बैरिया ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कुछ भी सेक्टर लॉन्च किया है कहीं पर भी बैरिया ने बनाया डेवलपमेंट की है पेशावर भी बनाएगा ठीक है और जब बैरिया टाउन पेशावर इन इस आएगा लॉन्च होगा ये सुना है मैंने दस या बारह तारीख को लॉन्च तो हो रहा है अगस्त में, में।, में मिडल में।, में हो रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए वो फायदे में रहेंगे जो डे ट्रेडर है जिस बंदे ने दस फाइलें यहाँ से उठाई उधर दीं दस वहाँ से उठाई आगे दे दी वो हो सकता है दो चार महीने पैसे कमा ले, लेकिन पाँच छः महीने बाद उसका ना कोई एंड नहीं है ठीक है पाँच छः महीने बाद उसके उस चीज़ की वर्थ नहीं बनेगी जब एक डेढ़ लाख डाउन पेमेंट वाली फाइल में पाँच छः लाख किस्तों का भी जमा हो जाएगा तो आठ दस लाख रुपया ठीक है ज, जो दस फाइलों की ट्रेड दस लाख में हो रही थी वही ट्रेड अब एक करोड़ में हो रही होगी ठीक है तो वो वो चीज़ ना समझ में नहीं आती जिसने भी फ़ायदा लेना है पाँच मरला सात मरला दस मरला कनाल दो कनाल फार्म हाउस कोई भी बैरियर चीज़ लॉन्च कर रहा है शुरू में ले लेंगे डे एंड तक चलाएंगे फ़ायदे में रहेंगे अगर बीच में इसको आपके पास किस्तें देने के पैसे नहीं है आप मर्जिंग करा रहे हैं आप जाके उनसे अपना टाइम लिमिट बढ़वा रहे हैं इंस्टॉलमेंट की ऐसे वैसे ये सब चीज़ें आपको नुकसान देंगी मतलब कि जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सोशल इन्वेस्टमेंट का वो एक लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए टिल पोजेशन तक टिल पोजेशन तक।, तक उससे पहले बेच देंगे कोई फायदा नहीं होगा लोग बहुत सारी टोपियां गुमा रहे हैं कि जी आज ले लेंगे दो लाख प्रॉफिट में बिक जाएगा तीन लाख प्रॉफिट में बिक जाएगा सिर्फ एक हवा चलती है मार्केट में दो तीन लाख वाली लेकिन परचेज़र नहीं होता ये डीलर से चलाते हैं कि जी आज दो लाख प्रॉफिट का रेट है आज तीन लाख प्रॉफिट का रेट है लेकिन होता नहीं है ठीक है परचेजर नहीं होता उस रेट के ऊपर तो फायदे में वो बंदा है जिसका प्लाट तैयार हो गया तीन साल बाद वो जाके अपने प्लाट पर खड़ा होकर कहते हैं जी मैंने ये प्लॉट बेचना है ठीक है उसका गाहक भी होगा उसका कस्टमर भी होगा उसकी वैल्यू भी होगी और उसमें से उसको कुछ ना कुछ रिटर्न भी आएगा ठीक बस सिंपल बात यह है ठीक है चले थैंक यू सो मच तो अच्छा व्यूअर्स ये था हमारा आज का पॉडकास्ट आपसे इन शाला मुलाकात होगी अगली वीडियो में मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ अगर आपकी कुछ क्यूरीज़ हैं कुछ सवालत हैं आप पूछना चाहते हैं हमसे तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव आपको गाइड करेंगे तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें लाला हाफ़